हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन ट्वेंटी सेवन फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर पी और साथ ही साथ यू जी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ तो मेक श्योर sure आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ये जो टॉपिक है आपका ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यू जी सी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें पी एच डी एडमिशन्स और जितने भी रिसर्च से रिलेटेड एरियाज हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो स्टार्ट करते हैं मेजर डिफरेंस हम लोग देखेंगे इसमें क्या है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूज टू क्वांटिफाई द प्रॉब्लम बाई वे ऑफ जनरेटिंग न्यूमेरिकल डेटा और डेटा दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन यूजबल स्टेटिस्टिक्स यानी कि क्या लिखा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है वो समस्या को जो भी समस्या है जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको क्वांटिफाई करता है यानी एक परिमाण कह लीजिए या एक मात्रा प्रोवाइड करता है क्वांटिफाई करता है यानी उसे हम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स uh, के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू यूजेबल स्टैटिस्टिक्स यानी डिस्क्रिक्ट फॉर्म में कह लीजिए डेटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं आगे देखिए क्या है अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ प्राइमरली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है एक तरीके का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है यानी कि किसी भी समस्या का क्या करता है एक्सप्लोर करता है डीप डीप स्टडी करने का काम करता है कौन करता है हमारा एक्सप्लोरे क्वान्टिटेटिव रिसर्च ठीक है अब आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या है क्वान्टिटेटिव रिसर्च में इट इज़ यूज टू क्वान्टिफाई एटीट्यूड्स ओपिनियंस बिहेवियर्स एंड अदर डिफाइंड वेरिएबल्स एंड जनरलाइज रिजल्ट फ्राम अ लार्ज सैम्पल पॉपुलेशन तो ये क्वान्टिटेटिव uh, रिसर्च uh, और क्या करता है किन किन चीज़ों को क्वान्टिफाई करने का काम करता है एटीट्यूड्स हैं ओपिनियंस हैं बिहेवियर्स हैं ये सारी जो चीज़ें हैं इनको एक नंबर प्रदान करता है नंबर में कन्वर्ट करता है मेज़र करने के लिए अब अगर हम बात करें जो हमारा क्वालिटेटिव uh, रिसर्च है तो इट इज़ यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइन रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस जैसा कि अभी मैंने बताया क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है एक तरीके की डीप स्टडी है ये किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम या किसी भी समस्या के पीछे का कारण है ना उसके ओपिनियंस और उसके जो जो भी उसकी रिगार्डिंग मोटिवेशंस है उसका अध्ययन करता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इन द प्रॉब्लम और हेल्प्स टू डेवलप आइडियाज़ और हाइपोथिस फॉर पोटेंशियल रिसर्च यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्या करता है ये एक इंसाइट्स डेवलप करता है प्रॉब्लम को लेकर एक अंतर्रिष्ट्रीय एक के की भावना का विकास होता है और जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस या आइडियाज़ को जनरेट करते हैं ठीक है आगे देखिए क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ आल्सो यूज्ड टू अनकवर ट्ड्स इन थाट एंड ओपिनियंस एंड डाइव डिफर इन टू द प्रॉब्लम देखिए जैसा कि मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करते हैं में क्या होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के हम लोग तह तक जाते हैं और उसके बाद उसके ओपिनियंस को मोटिवेशंस को बिहेवियर को रीजन्स को हम लोग एक्सप्लोर करने का काम करते हैं तो अगर हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है एक्सप्लनेट्री अप्रोच है एक्सप्लैनिट्री यानी एक्सप्लेशन करता है मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ठीक है और क्वालिटेटिव रिसर्च जो हमारा है क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये एक्सप्लोरेशन का, का काम करता है ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च में और क्या क्या डिफरेंसेज हैं मेजर डिफरेंसेज हम लोग देखते रहेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो अ टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन विच द रिसर्चर डिसाइड्स व्हाट टू स्टडी यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर क्या डिसाइड करता है कि उसे क्या अध्ययन करना है किसका जवाब ढूंढता है व्हाट टू स्टडी इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है अ टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन विच द रिसर्चर रिलाइज ऑन द व्यूज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च research में रिसर्चर हमेशा पार्टिसिपेंट्स या सैंपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करता है रियलाइज करता है रिसर्च करता है उसका स्टडी करता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात आगे बात करें तो देखिए आपकी फिल्म क्या है मेन डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेन डिफरेंस की बात करें तो क्वांटिटेटिव में क्या है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस दैट आर कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स ठीक है दैट कैन बी कम्पेयर टू द अदर यूनिट्स बाई यूजिंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च जो हमारा है प्योरली बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर ऑब्जर्व करने के बाद हम जो भी डेटा हमें प्राप्त होता है उसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा मेजर फाइंडिंग्स हम लाते हैं और देखिए क्या है बेस्ड ऑन अ पॉजिटिविस्ट पोजिशन पॉजिटिविस्ट पोजिशन या कह लीजिए पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इसके बारे में मैंने जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है इसकी वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी है वहाँ से आप देख सकते हैं तो पॉजिटिव बेस्ड ऑन पॉजिटिविस्ट ओपिनियन यानी पॉजिटिविस्ट ओपिनियन पे बेस्ड है अब क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है आपका एग्जामाइंस पीपल्स वर्ड्स एंड एक्शंस इन नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव वेज यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो पीपल्स या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है और एक्शंस को क्या है नैरेट या डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन करता है यानी कि क्लोजली रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन एज एक्सपीरियंस्ड बाई द पार्टिसिपेंट्स यानी कि सीधे से टर्म में बात करें तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अनुभवों को उनके पूर्व अनुभवों को या उनकी रियल फीलिंग्स को क्या है डिफ़ाइन करता है उसकी स्टडी करता है आगे देखिए क्या है बेस्ड ऑन फेनोमेनोलॉजिकल पोजिशन फेनोमेनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है जिसे हम मानवतावादी उपागम कहते हैं ठीक है फिन फिनोलॉजिकल उपा का मतलब क्या है मानवतावादी उपागम मानवता उपवादी उपवागम का मतलब या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम कह सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने कॉल रोजर्स और मैस्लो की थ्योरी पड़ी है ये सारी जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिनमोनोलॉजिकल अप्रोच पर बेस्ड है अब आगे अगर हम बात करें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्या डिफरेंस है दोनों में क्वांटिटेटिव रिसर्च लुक्स एट पैटर्न्स इन न्यूमेरिक डाटा ये प्योरली न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है ठीक है नंबर्स पर बेस्ड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है गैदर्स इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इन न्यूमेरिकल फॉर्म क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास कोई भी डेटा न्यूमेरिकल या नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है यानी कि नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास डेटा जो है अवेलेबल होते हैं किसमें क्वालिटेटिव में ठीक है आगे अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट है आपका क्वान्टिटेटिव रिसर्च गैदर्स डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म विच कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज और मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वही वही बात फिर से यहाँ पर की गई है और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव डेटा इज टिपिकली डिस्क्रिप्टिव डेटा ठीक है क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्रिप्टिव होता है और ये क्वान्टिटेटिव क्या होता है मेजरमेंट या यूनिट बेस्ड होता है नंबर बेस्ड होता है आगे देखिए क्या है दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ एंड टेबल्स यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो भी जो भी डेटा हमारे पास प्राप्त होता है उसे हम ग्राफ्स और टेबल्स बनाने में बहुत हेल्प मिलती है आगे अगर हम बात करें देखिए इसमें क्या है वेन यू थिंक ऑफ क्वालिटेटिव डेटा थिंक ऑफ द वर्ड क्वालिटी यानी कि हम यहाँ पर क्वालिटी को डिफाइन करते हैं बिकॉज एन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आर टेकिंग अ डीप क्वालिटी लुक एट अ फेनोमेना यानी फेनोमेना में जो भी पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम शब्दों के फॉर्म में इमेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कोई भी नंबर या कोई किसी भी डिस्क्रिक्ट फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आगे क्या है देखिए इसमें रिसर्चर का क्या रोल है दोनों प्रकार के मेथड में तो अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में बात करें तो यहाँ पर ये लिखा है क्वालिटेटिव रिसर्च research में रिसर्चर के अंदर बायसिंग आ सकती है रिसर्चर रिजल्ट्स फाइंडिंग या कंक्लूजन देने में रिसर्च फाइंडिंग्स या कंक्लूजन या निष्कर्ष देने में फ़ाइनल रिजल्ट पे पहुंचने में क्या है बायसिंग आ सकती है यानी कि वो पक्षपात कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है रिसर्चर एंड दियर बाइसिस आर नॉट नोन यानी कि किसी भी प्रकार की क्या बोलते हैं बायसिंग नहीं होती है रिसर्चर के अंदर स्टडी को लेकर पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी एंड पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेली हिडन फ्रॉम द रिसर्चर यानी कि एक तरीके का देखिए क्या लिखा है ये डबल ब्लाइंड स्टडी स्टडीज़ है क्वांटिटेटिव मेथड डबल ब्लाइंड स्टडीज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है डबल ब्लाइंड स्टडीज़ जो होती है एक्सा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स दोनों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा मेथड कौन सी अप्रोच या कौन सा ट्रीटमेंट जो है ग्रुप को प्रोवाइड किया जाएगा और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा यानी कि अगर हम बात करें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें रिसर्चर प्योरली न्यूट्रल होता है प्योरली क्या होता है न्यूट्रल होता है ठीक है अब आगे हम बात करें तो देखिए क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स परस्पेक्टिव यानी कि इन्फॉर्मेंट्स परस्पेक्टिव यानी सूचना देने वाले के परिपेक्ष में हम स्टडी करते हैं रिसर्चर स्टडी करता है एज्यूम्स अ डायनेमिक एंड निगोशिएटेड रियलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रियलिटी है वास्तविकता है डायनेमिक होती है यानी ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैथड है प्योरली क्वालिटेटिव होता है नंबर बेस्ड नहीं होता है तो डायनेमिक यानी कि गतिशील होने के चांसेस ज़्यादा हैं रिजल्ट के लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो कंसर्न विद डिस्कवरिंग फैक्ट अबाउट सोशल फेनोमेना सोशल फेनोमेना से जो भी फैक्ट्स हैं प्योर फैक्ट्स उसको हम लोग फाइंड करते हैं नंबर के फॉर्म में जनरेट करते हैं आगे क्या है एज्यूम्स ऑफ फिक्स्ड एंड मिजरेबल रियलिटी यहाँ पर जो वास्तविकता है जो फाइंडिंग्स है जो रिज़ल्ट हैं वो फिक्स हैं और एकदम वास्तविक हैं ठीक है एब्सोल्यूट कह सकते हैं वास्तविक होते हैं मेथड method, मेथोडोलॉजिकल की बात करें यानी मेथोडोलॉजिकल बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं तो क्वालिटेटिव की बात माफ कीजिएगा क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो क्या है डेटा आर कलेक्टेड थ्रू पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ यानी कि डेटा कैसे पार्टिसिपेंट्स के ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के द्वारा हम डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं किसमें क्वालिटेटिव में क्वानिटेटिव में. में क्या है डेटा आर कलेक्टेड थ्रू मिजरिंग थिंग्स मिजरिंग थिंग्स यानी जैसे कोई टेस्ट करा लिया कोई सर्वे करा लिया उसके आधार पर हम लोग जो है कि डेटा को कलेक्ट करते हैं किसमें क्वान्टिटेटिव अप्रोच में नेक्स्ट है आपका देखिए क्या है डेटा आर एनालाइज्ड बाई थीम्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बाई इन्फॉर्मेंट्स डेटा आर एनालाइज्ड बाई क्वान्टिटेटिव है थ्रू न्यूमेरिकल कम्पेरिजन एंड स्टेटिटिकल इन्फरेंस बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि क्वान्टिटेटिव अप्रोच में हम स्टेटिटिकटिस्टिकल इन्फरेंस या न्यूमेरिकल कंपेरिजन के थ्रू डेटा को एनालाइज करते हैं लेकिन इसमें क्या है जो सूचना दाता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी जो भी इंफॉमेशन देते हैं उसी के आधार पर हम डेटा को क्या करते हैं एनालाइज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है डेटा रिपोर्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ द इन्फॉर्मेंट देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च की सबसे खास बात यह है डेटा को जब भी रिपोर्ट करता है रिसर्चर तो वो एज इट इज़ इन्फॉर्मेंट या फिर पार्टिसिपेंट्स की लैंग्वेज में ही उसको एज इट इज़ लिख देता है उसमें उसकी अपने कोई भी विचार शामिल नहीं होते हैं जो उसका आइडिया है जो विचार है वो पार्टिसिपेंट्स देखिए लिखा है ना इन द लैंग्वेज ऑफ द इन्फॉर्मेंट लेकिन अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो डेटा रिपोर्टेड थ्रू स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बार बार वही बात है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव तो क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या है अनकवर ट्रेंड्स और प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द सेटिंग ऑफ अ प्रॉब्लम अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसमें हम लोग एक इनसाइट्स और अनकवर ट्रेंड्स और प्रोवाइड्स इनसाइट्स एक इनसाइट्स प्रोवाइड करता है हमें रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर ठीक है किसी भी समस्या को लेकर इनसाइट्स का मतलब क्या हुआ आप लोगों ने कोहलर की थ्योरी पढ़ी होगी कोहलर की इनसाइट थ्योरी है आहा अनुभव है है ना गेस्टाल्टवाद तो उसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है लाइक उसी के जैसा है क्वालिटेटिव रिसर्च में ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में मीजर द इंसिडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस व्यू और ओपिनियन इन ए चूजेंस सैंपल जो भी सैंपल हम चूज करते हैं उसके आधार पर हम चीज़ों को फाइंड करते हैं फाइंडिंग्स लाते हैं सैंपल की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैंपल्स हम यूज़ करते हैं मैक्मम इंडिविज uh, uh, कम से कम एक से तीन या फिर दस मतलब मिनिमम सैंपल हमारे पास होते हैं यानी यूजुअली अ स्मॉल नंबर ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव केसेस और केसेस कैसे होते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव यानी इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्ट्स कैन भी चूजन डेलीबरेटली टू टेक्सट और पर्टिकुलर थोरटिकल प्रीमाइसिस ठीक है यानी कि ये क्या होते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्मॉल नंबर में होते हैं सैंपल लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो यूजुअली हम जनरलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं हमें सामानीकरण करना होता है इसलिए जो सब्जेक्ट्स हैं जो सैंपल्स हैं वो रेंडमली सेलेक्टेड किए जाते हैं एंड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट और उस पॉपुलेशन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल हमेशा क्या है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है किसमें क्वानि क्वान्टिटेटिव रिसर्च में लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हम सैंपल बहुत ही स्मॉल चूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस की बात करें तो इसमें जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में है हम मैंने बताया ये नॉन न्यूमेरिकल है यानी कि नॉन स्टेटिस्टिकल और डेटा कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए नंबर यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को हम लोग नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है बार बार स्टेटिस्टिकल कहा जा रहा है यानी कि डेटा को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे टेम्परेचर को हम लोग कोल्ड या हॉट कह सकते हैं हाइट को टॉल स्मॉल कह सकते हैं तो ये हमने वर्ड के फॉर्म में इसको डिफ़ाइन कर दिया लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें डेटा क्या है टेम्परेचर की बात करेंगे तो नाइनटी नाइन डिग्री फॉरन हाइट कह सकते हैं या टेन डिग्री से इंटीग्रेट कह सकते हैं या थर्टी टू डिग्री से इंटीग्रेट कर सकते हैं हाइट को एक न्यूमेरिकल फॉर्म दे देते हैं जैसे छः इंच छः फुट आठ इंच जो भी कुछ है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रोच और करेक्ट के बेस पर क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट पहला है तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है डाइवर्जेंट अप्रोच बेस्ड है ठीक है डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग एक साथ कई चीज़ों पर फोकस करते हैं ठीक है यानी कि गो वाइडर मोर एक्सप्लोरेटिव जो क्वालिटेटिव रिसर्च है मोर एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है लेकिन क्वान्टिटेटिव की बात करें तो ये पिन पॉइंटेड होता है क्वानिटेटिव रिसर्च कैसा होता है पिन पॉइंटेड पिन पॉइंटेड यानी किसी एक बिंदु को लेकर ही हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं यानी इसका जो एरिया है नैरो इन है ना मोर कॉन्क्लूसिव होता है मोर कॉन्क्लूजिव होता है यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें एक केवल एक ही फाइंडिंग मिलती है फाइनल जो कि रियल होती है और मोर कॉन्क्लूसिव होती है अब आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपका व्हाट काइंड ऑफ डेटा जैसे मैंने बताई दिया एक्सप्लोरेटरी डेटा है क्वालिटेटिव रिसर्च में लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है एक्सप्लेनेटरी डेटा लीस्ट पोटेंशियली ठीक है ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन कैसा है तो इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं किसमें इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में हॉलिस्टिक अप्रोच है प्रोसेस ओरिएंटेड है यानी प्रोसेस बेस्ड है यानी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये इनडेप्थ स्टडी है ये बॉटम अप्रोच है यानी ये थ्योरी जनरेशन का काम करता है एक तरीके का बॉटम अप अप्रोच है थ्योरी जनरेशन का, का काम करता है कौन क्वालिटिटिव रिसर्च ठीक है आगे अगर हम बात करें तो जो आपका ओरिएंटेशन है क्वांटिटेटिव का डिडक्टिव है यानी टॉप डाउन प्रोसेस डिडक्टिव का मतलब क्या है टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है या हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई होती है जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैप की हम लोग थ्योरी ले सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है हाइपोथेसिस जो है आपका आइदर रिजेक्ट और सेलेक्ट दो ऑप्शन होते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या है डिडक्टिव होता है फोकस्ड होता है जैसा कि कंसंट्रेटेड या कन्वर्जेंट बताया था आउटकम ओरिएंटेशन होता है ये हमेशा फाइंडिंग्स या निष्कर्ष पर बेस्ड होता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम टू यानी फ्रॉम टू का मतलब फ्रॉम लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू समथिंग जनरल देखिए इंडक्टिव मेथड में हम लोग हमेशा करते क्या हैं इग्जाम्पल से थ्योरी की ओर जाते हैं ना ठीक है समथिंग जनरल पॉसिबली अ प्रिंसिपल ऑफ हाइपोथेसिस ठीक प्रिंसिपल और हाइपोथिस अगर हम इसकी बात करें फ्रॉम अ होस्ट ऑफ जर्नलाइज नॉर्मलाइज डेटा टू अ कंक्लूजन इसमें हम जर्नलाइज डेटा से कंक्लूजन की ओर जाते हैं बिकॉज दिस इज द पैटर्न दिस कैन बी प्रेडिक्टेड टू हैपन शुड अ सिमिलर सिचुएशन यानी कि इसमें जो भी फाइंडिंग्स आती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में उसको हम लोग एक लार्ज सैंपल पर लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं कर सकते अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात करें तो जो क्वालिटेटिव डेटा है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है प्योरली सब्जेक्टिव होता है प्योरली सब्जेक्टिव का मतलब क्या है इस रिसर्चर इसमें अपने तरफ से बहुत सी चीज़ें जोड़ देता है अपने हिसाब से इसमें बायसिंग आ जाती है इसमें पक्षपात आ जाता है यानी सम एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव हावर इंडक्शन मस्ट बी रूटेड इन डेटा इंस्ट्रक्शन इंडक्शन ठीक है लेकिन जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव रिजल्ट होता है फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेडिशंस ये हमेशा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है जो भी स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करता है ठीक है यानी इसमें कोई भी पर्सनल फीलिंग्स जो है इंक्लूड नहीं होती है रिसर्चर की आगे अगर हम बात करें तो इसलिए हम कहते हैं कि रिसर्चर क्या है इसमें कम्प्लीटली न्यूट्रल होता है किसमें कौन क्वान्टिटेटिव रिसर्च में लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें रिसर्चर जो है एम्पैथी एम्पैथी न्यूट्रलिटी पाई जाती है एम्पैथी न्यूट्रलिटी ठीक है एम्पैथी न्यूट्रलिटी क्या होती है न्यूट्रलिटी तो होती है लेकिन बिस्ड नेक्स्ट है आपका डिटेल्स एब्स्ट्रैक्शन यानि कि इसमें क्या है रिचली Rich, डिटेल्ड गोइंग फॉर एग्जॉस्टिवनेस और इंक्लूजिवनेस मतलब कि प्योरली डिटेल वाइड बेस्ड डीपर नॉलेज यानी कि एकदम तह तक जाकर हम लोग किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं स्टडी करते हैं रिसर्चर स्टडी करता है लेकिन इसमें क्या है क्वान्टिटेटिव में आइडेंटिफाई एंड वर्क विथ फ्यू जर्नलाइजेबल वेरिएबल्स कुछ जनरलाइज जर्नलाइजेबल वेरिएबल्स को लेकर जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है गोइंग फॉर एब्सट्रक्शन इन फॉरिंग द जनरल प्रोडिक्टिव प्रिंसिपल्स और उसी के आधार पर हम लोग क्या कर देते हैं प्रोडक्शन लगाते हैं जर्नलाइजेशन कर देते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन क्या है जैसा कि अभी बताया क्वांटिटेटिव क्या है ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ठीक है इसमें थ्योरी जनरेशन का काम होता है ठीक है इसमें आपका क्वालिटेटिव uh, uh, है ना रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड सब्जेक्ट क्या रिलेशनशिप है तो क्वानिटिटेटिव मैथड में रिसर्चर और सब्जेक्ट यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स और जो रिसर्चर है न्यूट्रल होते हैं वही बात है इसमें क्लोज होते हैं क्वालिटेटिव में रिसर्चर फोकस फैक्ट्स क्वान्टिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो है फैक्ट्स को पर केवल फोकस करता है इन क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर है उनकी मीनिंग्स पे भी फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च तो ये डिडक्शन और कन्फर्मेशन बेस्ड होती है क्वान्टिटेटिव कन्फर्म करता है लेकिन ये क्या है इंडक्शन और इमरजेंट होता है क्वालिटेटिव स्कोप की बात करें तो ये नोमोथेटिक अप्रोच है नोमोथेटिक का मतलब होता है न्यूमानवेशी क्वांटिटेटिव क्या है न्यूमानवेशी है लेकिन क्वालिटेटिव क्या है ईडियोग्राफिक अप्रोच है द नेचर ऑफ डेटा ये बताई दिया है नंबर बेस्ड है क्वांटिटेटिव और ये टेक्स्ट बेस्ड होता है आगे अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च की तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं क्लोज रिलेटेड क्वेश्चनियर हैं आई टेस्ट हैं आपके और मेजरमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एग्जांपल्स हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च एग्जांपल्स की बात करें तो डायरी अकाउंट्स हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू है ओपन एंडेड क्वेश्चन एयर है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है, है और अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनस हैं देखिए अगर हम बात करें तो डिटेल में बात करें तो क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव बहुत बड़ा ही टॉपिक है लेकिन इसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन एंड क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मथड डिज़ाइन की बात करें तो देखिए जो क्वान्टिटेटिव डिजाइन है ये दो टाइप का है एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल अब एक्सपेरिमेंटल के भी फोर टाइप ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वैसी एक्सपेरिमेंटल प्री एक्सपेरिमेंटल अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल भी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन और दूसरा है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन क्वैसी एक्सपेरिमेंटल भी दो टाइप का नॉन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और टाइम सीरीज डिज़ाइन और प्री एक्सपेरिमेंटल भी दो टाइप का वन शॉर्ट केस स्टडी और सेकंड है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिज़ाइन अब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में है और इसके एग्जाम्पल हैं सर्वे को रिलेशनल एक्सपोस्ट फैक्ट्री स्टडीज़ कम्पेरेटिव इवेल्युएटिव मेथोडोलॉजिकल और क्वालिटेटिव डिज़ाइन की बात करें तो इसमें तीन रिसर्चेज हैं फेनोमेनोलॉजिकल एथनोग्राफिक स्टडी और ग्राउंडेड थ्योरी तो ये जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं इन सबके वीडियोज़ मैंने अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी uh, के प्लेलिस्ट में डाल रखा है और यूजीसी नेट साइकोलॉजी और एजुकेशन के भी प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करिए एक बार तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बहुत सी चीज़ें इसमें छूटी हैं मेजर डिफरेंसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और यू जी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर टू तो एजुकेशन एंड साइकोलिक तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल से आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो